19 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव निर्वाचित राज्य प्रतिनिधियों की बैठक यशवंत राव चौहान सभागार मंत्रालय पड़ोसी मुंबई में आयोजित की गई। उक्त बैठक में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू, प्रदेश प्रभारी एच के पाटिल, प्रांतीय अध्यक्ष नाना पटोले, विधायक दल कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष, AICC प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। विधायक दल कांग्रेस पार्टी की नेता पूर्व राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। इस प्रस्ताव को सभी प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।